नमस्कार। जब भी आपका मन हारने लगे, जब भी आपकी उम्मीदें टूटने लगे, जब भी आपको लगे कि मैं अब खत्म हो रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, जब आपकी किस्मत आपका साथ न दे, जब आपके हालात आपके विपरीत हो, जब चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, ऐसे हालात में इंसान क्या करता है? ऐसे हालात में इंसान टूट जाता है। चाहे आप हो या चाहे मैं हूं, इंसान टूट जाता है। इंसान की उम्मीदें धराशायी हो जाती है। इंसान को लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं क्या करूं, उसका मन अंदर ही अंदर टूटने लगे। अगर यह सिचुएशन, अगर यह परिस्थिति आपके साथ में आए या मेरे साथ में आए तो क्या करना चाहिए? अगर यह परिस्थिति तो किसी के साथ में भी आ सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति आए ना तो कुछ ये बातें याद रखना, आपके अंदर वापस वही जोश जुनून जग जाएगा और आपको लगेगा मुझे कुछ करना चाहिए। अगर आपका मन हारने लगे ना तो सबसे पहले तो खुद से बात करना, अकेले में उन लोगों के बारे में सोचना जिसने कहा था कि तेरे से नहीं हो सकता यार, तू रहने दे, तेरी औकात नहीं है ये करने की, तेरे बस में नहीं है ये करने का। उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने आपको कहा था तू निकम्मा है, तू नाकारा है, तू इस धरती पर बोझ है। अकेले में उन बातों को सोचना कि जिन लोगों ने मेरे को हताश किया, मेरे को निराश किया और मेरे को कहा कि तू तो धरती का बोझ है यार, तू कुछ नहीं कर सकता। उन बातों को सोचना और अपने आप अपने मन में बात करना कि क्या मैं इसी लायक हूं, क्या मैं ऐसे ही असफलता पाकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। एक बार मन में वो विचार लाना कि मुझे उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने कहा था तू निकम्मा है, नकारा है, तू इस धरती का बोझ है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू परिवार पर बोझ है। ऐसे लोगों के बारे में सोचना और मन में एक विश्वास रखना और एक उम्मीद जगाना कि मुझे उन लोगों को जवाब देना है। अगर मैं उन लोगों को जवाब दिए बिना चला गया ना तो मेरे पीछे उन लोगों को कौन जवाब देगा। एक बार वापिस कोशिश करने की ठानना कि मुझे उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने मुझे नाकारा समझा, जिन्होंने मुझे बेकार समझा। एक बार वापस कोशिश करना उठने की, एक बार वापस जोश और जुनून से लड़ना अपनी किस्मत से और अपने हालात से। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि धैर्य रखना, आपको हजारों असफलताएं आएगी, आपको हजारों हालात आपके विपरीत होंगे, हजारों किस्मतें आपको चकना चूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन धैर्य रखना, अपने अंदर धैर्य रखना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लोगों को बताना है। बिना धैर्य के आज दिन तक के इतिहास में कोई कुछ नहीं कर पाया। थर्ड, उम्मीद। मन में एक उम्मीद रखना, एक आशा की किरण रखना कि मैं कुछ कर सकता हूं। अपने मन ही मन एक कोने में एक उम्मीद जगा के रखना। पता है आपको, उम्मीद का दिया अगर जिसके भी दिल में जलता है ना तो वह कुछ भी कर सकता है। बिना उम्मीद के जो दिए के जो शरीर होता है ना वो कुछ काम का नहीं होता है, वो रद्दी के बराबर होता है। आपको अगर कुछ पाना है और कुछ जीवन में करना है तो उम्मीद रखनी होगी। बिना उम्मीद के कोई भी इंसान बड़ा नहीं बन पाया है, इसलिए उम्मीद जरूर रखना। समझदारी, आपको धैर्य के साथ में समझदारी रखना है। इंसान के जब हालात खराब होते हैं, जब किस्मत उसके विपरीत होती है ना, तब इंसान कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले लेता है अपने शरीर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए। ऐसे गलत निर्णय ले लेता है ना कि वो जिंदगी भर उन निर्णय को कभी नहीं सुधार पाता है। इसलिए जब भी आपके हालात खराब हों, जब भी आपकी किस्मत आपके विपरीत हो, तो समझदारी रखना। कभी भी संकट के समय में, कभी भी दुख के समय में गलत निर्णय मत लेना, क्योंकि जब इंसान
संकटों से भरा होता ना, उसका दिमाग काम नहीं करता है। वो चारों तरफ से उसे मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आती है और उस मुश्किलों में वह गलत निर्णय ले लेता है, और जब गलत निर्णय ले लेता है तो उसकी लाइफ के लिए बहुत भारी पड़ता है। और वह गलत निर्णय ऐसा होता है ना कि वह जीवन में कभी भी उस गलत निर्णय से ऊपर नहीं उठ पाता। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपने इष्ट देव से। जब भी आप संकट में हो तो सबसे पहले तो मेहनत जारी रखे, धैर्य रखे, उम्मीद रखे और लास्ट में प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु एक दिन मुझे सक्सेस करना, और मुझे उन लोगों को बताना है जिन्होंने मुझे नकारा कहा, जिन्होंने मुझे निकम्मा कहा, जिन्होंने मुझे कहा कि तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तू नालायक है, तू इस धरती पर बोझ है, मुझे ऐसे लोगों को बताना है प्रभु। लेकिन साथ में प्रार्थना के साथ में आपको धैर्य, आपको मेहनत, आपको हिम्मत और आपको उम्मीद रखनी होगी। बिना इन चीजों के आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मेहनत, धैर्य, हिम्मत, उम्मीद अगर आपके अंदर नहीं होगी ना, तो न तो आप अपनी किस्मत से लड़ पाओगे और ना ही आप अपने हालात से लड़ पाओगे, और ना ही आप उन लोगों को जवाब दे पाओगे जिन्होंने कहा था तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तू निकम्मा है, तू नाकारा है। इसीलिए आपको इस सिचुएशन से लड़ने के लिए अपने मन में हिम्मत, जोश, जुनून, धैर्य, समझदारी और भगवान के प्रति विश्वास रखना, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे।